मैं सभी जिलावासियों को ये बताना चाहता हूँ कि निजामुद्दीन में जो तबलीगी मरकज से संबंधित कुछ व्यक्तियों के कटिहार जिला में आने की बात है, उसकी हम लोगों ने जांच करा ली है। उनमें से 7 लोग ऐसे हैं जो कटिहार के निवासी हैं, जिनको कि ये आशंका है कि वो तबलीगी मरकज में गए दिल्ली में और वहां से फिर यहाँ वापस आए। तो इसमें ये स्पष्ट रूप से हम लोगों के लिए जानना आवश्यक है कि जितनी भी अब तक की जांच हुई है उसमें ये बात निकल के आई है कि ये 7 व्यक्ति, जिसमें 4 कोढ़ा के हैं, 2 फलका के हैं और 1 समेली के हैं, ये लोग दिसंबर 2019 में यहाँ से कटिहार से बाहर चले गए थे मॉरिशस, और मॉरिशस के बाद में वो दिल्ली आए। 4 लोग 16 तारीख को आए, 16 मार्च को, और बाकी लोग 20 मार्च को आए। उसके बाद वो सब लोग फिरोजाबाद में ही रह गए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया और वो उसके बाद यहाँ पे नहीं आ पाए। यानी ये 7 लोग 3 महीने से कटिहार जिला से बाहर हैं और तबलीगी मरकज जो निजामुद्दीन में हुई थी उस वहां से फिर ये लौट के नहीं आए। इसलिए इनसे कटिहार जिला में संक्रमण फैलने की संभावना शून्य है। इसके अतिरिक्त 11 अन्य लोगों की सूची हम लोगों को प्राप्त हुई है। ये अन्य देशों से आए हुए व्यक्ति हैं, जिसमें 10 बांग्लादेश से आए हुए और 1 इंडोनेशिया से आए हुए हैं। इस सूची की भी हम लोगों ने जांच कराई है, और इसमें जो प्रथम दृष्टया जो जांच में बात सामने आई है वो ये है कि ये लोग 15 फरवरी के आसपास कटिहार में आए थे, और उस दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों पर ये लोग रुके, और 15 फरवरी के बाद 10 मार्च को ये लोग दिल्ली लौट गए। कुछ लोग 9 मार्च को और कुछ लोग 10 मार्च को। उसके बाद निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज से ये लोग लौट के यहां नहीं आए। यानी इनके द्वारा वापस आकर संक्रमण के फैलाव की संभावना शून्य, क्योंकि लौट के आए नहीं है। एक संभावना जिस पे हम लोग ने सतर्कता मूलक कार्रवाई की है कि अगर ये मूल रूप से यही लोग इन्फेक्टेड रहे हों जिन्होंने निजामुद्दीन ने संक्रमण का फैलाव कराया, तो ऐसी स्थिति में ये लोग 1 महीना तबलीगी मरकज के पहले यहां पे रहे, निजामुद्दीन जाने के पहले। तो उसकी भी हम लोगों ने जांच कराई कि उनके यहां आवासन के दौरान कहीं कोई संक्रमण का फैलाव की संभावना ना हो। तो चूंकि 10 मार्च को ये छोड़ चुके हैं और आज हम लोग की 2 अप्रैल की तिथि हो गई है, तो इस बीच 22 दिन की 23 दिन की अवधि पर्याप्त है लक्षण के परिलक्षित होने में, और अभी तक इस प्रकार का मामला नहीं आया है। तो हम लोग ये एक तरह से एक मान सकते हैं कि वो लोग प्रभावित नहीं थे जब यहां पे आए। इसके बावजूद हम लोगों ने उस सभी जगहों को ट्रेस किया जहां पे ये लोग गए थे, किस किस के संपर्क में आए इसकी भी हम लोगों ने जांच की, और संपर्क में आए हुए 4 व्यक्तियों का हम लोगों ने सैंपल भी लिया है, और हर तरह से हम लोगों को कॉपरेट किया गया। हम लोगों ने कुछ मस्जिदों में जाके पूरे सम्मान के साथ में इस बात को रखा, और हम लोगों को हर जगह से, हर मस्जिद से पूरा सहयोग मिला। और वो लोग जिनके मुख्य रूप से संपर्क में आए होंगे उन्होंने स्वेच्छा से अपने सैंपल की जांच कराने की अनुमति दी, और सबको हम लोग 4 लोगों को, ऐसे 4 लोगों को मेडिकल कॉलेज ले गए, कटिहार मेडिकल कॉलेज, और वहां पे उनके सैंपल को हम लोगों ने जांच के लिए लिया है। उसकी जांच आने के बाद और पुष्ट हो जाएगा कि यहाँ उनके द्वारा यहाँ संक्रमण के फैलाव की संभावना कितनी थी। तो इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान ना दें, और जो भी जांच हम लोग कर रहे हैं जांच के पश्चात पूरी पुख्ता जानकारी आप लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे। और इसके अतिरिक्त एक बार पुनः अपील करना चाहूंगा कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये कोई विधि द्वारा स्थापित किसी मजबूरी के तहत नहीं हम लोगों को पालन करना है, बल्कि स्वेच्छा से इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए संकल्पित होकर हमको इस लॉकडाउन का पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। द न्यू चैप्टर ऑफ हाईटेक चाइल्ड एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, मेडिटेक सिम्बायोसिस एकेडमी, भेरिया रेखा कटिहार, स्वर्ण पदक प्राप्त प्रसिद्ध विद्वान शिक्षक द्वारा संचालित प्री नर्सरी टू 10th वाधा कैंपस, सेपरेटेड हॉस्टल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ट्रेंड एंड डेडिकेटेड टीम, सेफ एंड सिक्योर कैंपस, एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिटेल्स, ब्रांडेड स्कूल मेडिटेक सिम्बायोसिस एकेडमी, 6299779474, 6200706।